ओडिशा में देर रात करीब 1:15 बजे चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल। मौसम विभाग के मुताबिक आज जारी रहेगा दाना का कहर। चक्रवात दाना के चलते भद्रक में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भी दिखा चक्रवात दाना का असर, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर सड़कों पर गिरे पेड़। ओडिशा के तटीय इलाके भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर और जगत सिंहपुर में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़। कोलकाता में दिखा चक्रवात तूफान दाना का असर, दमदम इलाके में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में भी चक्रवात के चलते बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन शुरू, चक्रवात तूफान दाना के चलते परिचालन किया गया बंद। तमिलनाडु के सलेम में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, यातायात प्रभावित, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के वाहन पर हमला, हमले में 2 सैनिक शहीद, 2 पोर्टर की मौत। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर रखा 10 लाख रुपए का इनाम। एनआईए ने 2022 के 2 मामलों में दर्ज किया आरोप पत्र। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत देखने को मिली, 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का जलस्तर, दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में दिखे सफेद झाग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को हुई स्किन एलर्जी, प्रोटेस्ट के दौरान यमुना में लगाई थी डुबकी। एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, मुंबई में अजित पवार की मौजूदगी मिली सदस्यता। बीजेपी नेता निशिकांत भोसले पाटिल और संजय काका ने एनसीपी अजित पवार ज्वाइन की, डिप्टी सीएम अजित पवार की मौजूदगी में हुए शामिल। एनसीपी के टिकट पर निशिकांत भोसले इस्लामपुर में लड़ेंगे चुनाव, ताजगांव से संजय काका को टिकट। एनसीपी अजित गुट ने आज 7 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की, अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम कहला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में करीब सभी सीटों पर बनी सहमति, 278 सीट पर उम्मीदवार हुए तय, सिर्फ 10 सीट पर फैसला होना बाकी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट, बरही से एमएलए उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से एमएलए आलमगीर आलम का टिकट काटा। कांग्रेस ने आलमगीर आलम की पत्नी निशित आलम को पाकुड़ से दिया टिकट, आलमगीर आलम फिलहाल जेल से।